हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने लैपटॉप या पीसी में जार्विस की स्टार्टअप साउंड कैसे लगा सकते हैं बिना किसी ऐप की मदद से। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा दो, तोड़ दो, जो आपकी मर्जी करो। मतलब आपको मत सिखा, चल तो चलिए देखते हैं। Welcome back, sir. All systems for gaming will be prepared in a few minutes. For now, feel free to grab a cup of coffee and have a good day. अब हम चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे और देखते हैं कि इसे कैसे सेट करना है। तो गाइस, सबसे पहले हमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल ड्राइव के लिंक को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे, आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। ये एक ऑडियो फाइल है, इसे जस्ट आपने डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आपका डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा तो हमें फिर से अपने डेस्कटॉप पे आ जाना है। फिर उसके बाद पे स्पीकर के आइकन पे हमें राइट क्लिक करना है और साउंड्स के ऑप्शन को क्लिक कर देना है। साउंड्स के ऑप्शन को क्लिक करने के बाद हमें एस्टरिस्क पे क्लिक करना है और फिर हमें अपनी ऑडियो फाइल ब्राउज करनी है। आपने जहाँ पे भी अपनी ऑडियो फाइल डाउनलोड करी होगी वहाँ से आपको इसे क्लिक करके ले लेना है। ये यहाँ पे आ जाएगी जार्विस साउंड और फिर हमें इसे प्ले विंडोज स्टार्टअप क्लिक कर देना है और जस्ट इसे अप्लाई कर देना है और ओके करके क्लोज कर देना है। उसके बाद एक लास्ट काम और करना है, हमें कंट्रोल पैनल टाइप करना है। कंट्रोल पैनल में टाइप करने के बाद हमें हार्डवेयर एंड साउंड्स में जाना है, चेंज व्हाट द पावर बटन टू पे जाना है और चेंज सेटिंग दैट आर करंटली अनअवेलेबल पे क्लिक करना है और टर्न ऑन फास्ट स्टार्टअप को अनचेक कर देना है और उसे सेव चेंजेस कर देना है। इसको करने से ये फायदा है कि जार्विस की वॉइस स्क्रीन ऑन होते ही आएगी, वॉइस आगे पीछे नहीं होगी। जैसे कि स्क्रीन ऑन होने के 2-3 सेकेंड बाद या 2-3 सेकेंड पहले वॉइस नहीं आएगी, स्क्रीन ऑन होती ही आएगी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहते हैं ये भी बताना। सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय।